भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही संक्रमण से मौत का सिलसिला भी जारी है। देश में एक बार फिर से 18,000 से अधिक नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार की सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 18,840 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 43 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,35,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक कुल संक्रमितों में से 5,25,386 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 4,29,53,000 से अधिक लोग रिकवर होने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 16,104 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन सक्रिय मामलों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ाती जा रही है। देश में एक्टिव केस का कुल आंकड़ा बढ़कर अब 1,25,000 के पार कर गया है। देश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 4.14% हो गई है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीज केरल में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर तमिलनाडु और पांचवें नंबर पर कर्नाटक है। इन पांच राज्यों में देश भर में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में शुक्रवार को 3,310, पश्चिम बंगाल में 2,990, महाराष्ट्र में 2,944, तमिलनाडु में 2,722 और कर्नाटक में बीते दिन 1,037 केस दर्ज किए गए। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। अब तक देश भर में 198.65 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। शुक्रवार को देश में 12,26,795 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया।